अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इंतज़ार है जी एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक अहम तरीन बिल जो कि बिल की शक्ल में, कानूनी मसौदे की शक्ल में कौमी असम्बली में आया था, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो कि मुतहदा मजलिस अमल के रुकन कौमी असम्बली थे, वो ये बिल लेकर आए थे और इस बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया था। उसके बाद ये बिल सेनेट में जाता है, तकरीबन 6 महीने ये बिल जो है पेंडिंग रहा और उसके बाद ये बिल सेनेट में चला गया। वो बिल अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा है, वो बिल है फौजदारी तरमीमी बिल 2023, जो कि पहले कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, उसके बाद सेनेट से मंजूर हुआ और सेनेट से मंजूर होने के बाद अब वो बिल सदर मुमलिकत के पास मौजूद है। अगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, लेकिन अगर ये बिल इसके ऊपर दस्तखत नहीं होते तो फिर ये तारीख के औराक में गुम हो जाएगा और फिर इस बिल पर कानून साजी इसलिए नहीं हो सकेगी क्योंकि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और मुश्तरका इजलास तलब नहीं किया जा सकता। इस बिल के हवाले से कुछ तहफ़ुज़ात सामने आए हैं, खुसूसन मुल्क के एक बड़े मकतब फिक्र की तरफ से बहुत से तहफ़ुज़ात हैं। वो तहफ़ुज़ात क्या हैं ये जानने के लिए आज हमने अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी जो कि नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के और एक जानी मानी शख्सियत हैं, इत्तेहादे उम्मत के हवाले से भी उनका नाम सरे फहरिस्त है और अहम तरीन मीटिंग्स में वो नजर आते हैं, चाहे वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जरिए तमाम कोई मीटिंग हो, चाहे वो सियासी लिहाज से कोई बड़ी मीटिंग हो या अस्करी लिहाज से जब उलमाए किराम को बुलाया जाता है तो वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। अल्लाह हमारे वाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये क्या तहफ़ुज़ात हैं जी कि एक ऐसा बिल जो सिर्फ इसलिए लाया गया है कि तौहीन रुक सके और तकफीर ना हो, एक बड़े अरसे से ये मसला चलता रहा है, तो अगर तौहीन और तकफीर रुक रही है तो फिर इस मामले को तो हल हो जाना चाहिए, इसके ऊपर तहफ़ुज़ात क्या हैं जरा इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इंतजार भाई। मैं ये समझता हूँ कि वतन अज़ीज़ अल्लाह ताला की एक नेमतों में से नेमत है, हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया था और ये वतन एक कौम के लिए था ये, और यकीन करें कि हमने हमेशा इत्तेहाद वहदत के लिए जद्दोजहद की है, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, अपने वतन में जाने भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और मुकद्दसात के एहतराम के हवाले से हम हमेशा पेश पेश, इत्तेहाद वहदत के हवाले से पेश पेश। लेकिन मैं ये समझता हूँ पहला नुकता यह है कि हमने हमेशा पूरी कौम को ये दर्ज दिया है कि अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात, बल्कि जितने भी मुसलमानों के मुकद्दसात हैं उन सब का एहतराम वाजिब है और तोहीन हराम है, तोहीन नहीं होनी चाहिए। हमें यह अफसोस होता है कि कौमी असम्बली में लाया गया, फिर सेनेट में लाया गया 20-22 आदमियों के साथ, जहां 300 से ऊपर कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनमें से 20-22 आदमियों से पास कराया गया और बगैर बहस किए अब वो पास कराया गया। सेनेट में भी इसी तरह हुआ। हक तो ये था कि अगर दीनी मसले पे मजहबी हवाले से कोई बिल आता है कौमी असम्बली या सेनेट में या लाया जाता है, जो मजहबी कुव्वतें हैं वो लाती हैं, तो सबसे पहले तमाम तबकात से मशवरा होना चाहिए, तमाम मसालिक से मशवरा होना चाहिए। मैं आज देखूं कानून वो होता है जिसमें पूरी कौम मुत्तफिक हो, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की अक्सरियत ये जो बिल पास हुए हैं इनके साथ मुत्तफिक नहीं है। मैं यहाँ ये वजाहत करूंगा, मैं इस्लाम नजरियाती कौंसिल का मेंबर रहा हूँ, मैं तमाम मसालिक का बेहद एहतराम, सबके साथ राबते भी हैं, मैं बड़े एहतराम से ये बात करूंगा कि जो भी बिल आता है इस तरह का, कौमी असम्बली में आता है, सेनेट में आता है, वो बिल या कानून बनने जो चीज जा रही होती है वो इस्लाम नजरियाती कौंसिल में आती है। हमने अक्सर उनका मुताला किया और देखा है कि पहले एक दो सफे जो है वो अल्फाज और इस्तेलाहात की तशरीह पे होते हैं, अब वो मसलन फर्ज करें इसमें 2-3 अल्फाज ऐसे हैं, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, इनकी तशरीह क्या है, तमाम मसाले को, तमाम तबकात को एतमाद में लेकर कानून साजी का कोई दुश्मन नहीं है और तौहीन भी कोई नहीं चाहता। मैं तमाम मसालिक से गुजारिश करूंगा कि तौहीन कोई नहीं चाहता, तौहीन हराम है, हमारे मराजे का फतवा है, लेकिन मसला यह है क्या हक नहीं था वो मसालिक जिनकी करोड़ों की आबादी है आगे उनके साथ मशवरा किया जाए और फिर ये कानून आगे बढ़ाया जाए। कोई मशवरा हमारे साथ नहीं किया गया, हम बार बार ऐलान कर चुके हैं और फिर
जहां सहाबे किराम और अहले बैत अतहर के हवाले से वजाहत की जाती कि सहाबा की तारीफ क्या है, वहां बहुत जरूरी था कि तौहीन की डिफिनेशन की जाती। देखें, एक है किसी मसलक का अकीदा और एक है तौहीन, गाली गलौज कोई करे, किसी में ऐब निकाले, किसी में नक्श निकाले, इस तरह की चीजें जो तौहीन के जुमरे में आती हैं, ये बिल्कुल आती हैं। लेकिन एक है अकीदा है किसी का। 1400 साल से शिया और सुन्नी के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो इमामत खिलाफत का है। मसलन शिया हजरत अपनी अजान में भी अली वलीउल्लाह और खलीफत बिला फसल के जुमले कहते हैं, ये तौहीन नहीं है, ये शिया का बुनियादी अकीदा है। अगर कोई इसको तौहीन समझे तो उसका माना यह है कि वो शियत को चाहता है कि शियत ही खत्म हो जाए। ये इस मुल्क में इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस तरह का कानून हो जिसमें एक मसलक की बुनियाद पे जद पड़े। इसलिए तमाम लोग डिस्टर्ब हैं। ये कौन सा कानून है जो एक मसलक को दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो रही है? मैं मुतवज्जे करना चाहूंगा सदर मम्लिकत को कि वो इसको गहरी नजर से देखें, जिनको एतराज है उनके बुजुर्गान को बुलाएं और उनके साथ डिस्कस करें कि मसला क्या है, ताकि कानून अगर बने तो एक ऐसी दस्तावेज जाए आगे जो मुत्तफिका हो तमाम मुसलमानों के दरमियान, तमाम उम्मत के दरमियान। इस मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, इस मुल्क में अमन चाहिए, इस मुल्क में वहदत चाहिए। उसका तरीका यह है, हमेशा हमने देखें जो बड़े बड़े फोरम बने, मिली यकीयती कौंसिल है, मुतहदा मजलिस अमल बनी है, उन सब फोरमों में ये बात तय थी कि हम मुश्तरकात पे इकट्ठे बैठेंगे। मुख्तलफी 5% चीजें हैं, उन पे मुख्तलफ इख्तलाफ अपना अपना, लेकिन हम मुश्तरकात पे इकट्ठे बैठेंगे। ये जो चीज आई है ये मुश्तरकात में नहीं है, ये सिर्फ एक मसलक का, बल्कि मैं कहूंगा एक मसलक के भी कुछ शिद्दत पसंद है, उनका ये नजरिया है। फिर यहां बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा कि आईने पाकिस्तान को तहफ्फुज़ देता है, हर मसलक के जो अकीदा है बुनियादी अकीदा उसे तहफ्फुज़ देता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस बिल के कानून बनने की वजह से हमारे अकायद को कोई तहफ्फुज़ नहीं है। दूसरा यह है कि ये बिल कुरान और सुन्नत के सरासर सरीहन खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि हुजूर के दौर में, खुलाफाए राशिदीन के दौर में, उसके बाद से लेकर आज तक कहीं साबित नहीं है कि इतनी सजाएं तौहीन पर रखी जाए। और फिर जो तारीखी हकायक है वो बयान की जाए, जो तमाम मसाले की कुतुब में बिल्तफसील मौजूद है, क्या वो भी तौहीन शुमार होगी? तो मैं समझता हूं कि तौहीन की वजाहत और तशरी होनी चाहिए थी। उस तशरी के बगैर, उस वजाहत के बगैर ये कानून कानून नहीं है। ये गुजारिश करूंगा तमाम मेहमानों से, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से, इस मुल्क के सब इदारों से, और हर जी शऊर जो इस मुल्क में है, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, खुसूसन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिनके कोर्ट में अब ये गेंद है, उनको चाहिए कि इन मसाइल पे सोचें। कानून वो चीज होती है जिससे पूरी कौम मुत्तफिक हो। सलाम साहब, आपने अभी यहाँ पे एक बात कही कि एमएमए में आप मौजूद हैं, मिली जुली काउंसिल में आप मौजूद हैं, और ये बिल इंतहा पसंदी को जो है फरोग देगा। सवाल यहां ये पैदा होता है कि मुतहदा मजलिस अमल के रुकने कौमी असम्बली हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली में नहीं आए, बल्कि एमएमए के प्लेटफॉर्म से वो जमात इस्लामी में थे और अपोजिशन में बैठे हुए थे। तो बिल तो एमएमए की तरफ से आया, एमएमए के एमएलए लेके आए। उसके बाद ये बिल जब यहां से मंजूर होता है और जब ये बिल चला जाता है सेनेट में, तो सेनेट में भी JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनके साथ आपका बहुत करीबी रबता रहा है, करीबी ताल्लुक रहा है, वो उस बिल की तौसीक करते हैं। उसी सेनेट में ये बिल जो तहरीक पर था उसमें दो लोगों के नाम थे तहरीक जब पेश हुई, एक सेनेटर मुश्ताक जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, दूसरे मौलाना हाफिज अब्दुल करीम जिनका ताल्लुक जमीयत अहले हदीस से है। ये दोनों आजाद भी एमएमए का हिस्सा हैं, दोनों जमातें एमएमए का हिस्सा हैं। तो इस तरह से तीन एमएमए की जमातों ने ये बिल पेश किया, तो क्या इन तीन जमातों ने आपके साथ मुशावरत नहीं की, या इन तीन जमातों के साथ आपका रबता खत्म हो चुका है, या हम ये कहें कि एमएमए जो सियासी इत्तेहाद था वो दफन हो चुका है, और दूसरी तरफ जो मिली यदि कौंसिल है जिसके मुसलसल इजलास भी होते रहते हैं, शायद आप भी उसके सीनियर अहदेदार हैं, क्या मिली यकजहती काउंसिल में ये मामला डिस्कस नहीं हुआ? 6 महीने पहले ये बिल आया है, तकरीबन जनवरी में जब ये बिल आया, तो जनवरी से लेके अगस्त तक क्या इस अहम तरीन मामले पर गौर नहीं हुआ? आज आप तहफात का इजहार कर रहे हैं
کیا یہ تحفظات پہلے آپ شیئر نہیں کر سکتے تھے ان احباب سے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کا مختصر جواب دوں گا. ہمارے دوست جو ملی امدادی کونسل میں ہیں یا متحدہ مجلس عمل میں ہیں، ان سب کو ہمارے نقطہ نظر کا پتہ ہے، اور اب جو ہمارے تحفظات ہیں اور یہ مسائل ہیں ان تک ہمارا نقطہ نظر پہنچ چکا ہے. اور میں اب نام نہیں لوں گا ان سینئر رہنما جو ہیں متحدہ مجلس عمل کے، آشاں انہوں نے مشترکات کی بات کی ہے کہ مشترکات پہ عمل ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جن حضرات نے قومی اسمبلی میں سینٹ میں یہ بل پیش کیے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم متحدہ مجلس عمل کے ذریعے منتخب ہو کے آئے، اور وہ جو مشترکات ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پیغام جو ہے امید ہے ان تک بھی پہنچے گا، اور امید ہے کہ وہ اس پہ سوچیں گے کہ اس سے قوم میں انتشار بڑھے گا، قوم میں تفرقہ بڑھے گا. پہلے ہی پاکستان سیاسی اور معاشی حوالے سے کتنے بحرانوں میں ہے، اور متحدہ مجلس عمل ہو یا ملی یکجہتی کونسل ہو، ان نے ہمیشہ وحدت کی بات کی ہے، اتحاد کی بات کی ہے، تمام مسائل کے حقوق کی بات کی ہے. میں ہمیشہ جہاں شیعہ کے حقوق کی بات کرتا ہوں، وہاں میں اہل سنت کے حقوق کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. اور کسی کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، خاص جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، ظلم و جبر کی. لیکن یہاں میں ان سے توقع رکھوں گا جو ان کے رہبران ہیں، کہ وہ تھوڑا سوچیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کا کون ذمہ دار ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے، یہ مقام فکر ہے. میں یہاں آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، تمام امت مسلمہ کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کے جو قاتل ہیں یا ان کی جو توہین کرنے والے ہیں وہ ہمارے مقدسات میں نہیں آتے. یہ طے شدہ فارمولا ہے تمام امت کے نزدیک. اس فارمولے پہ آگے بڑھیں، قانون بھی مسئلہ قانون کا بھی حل ہو جائے گا، بلوں کا بھی حل ہو جائے گا، میرے خیال میں سب مسائل حل ہو جائیں گے، اور اتحاد و وحدت کے ساتھ حسب سابق ہم آگے بڑھتے رہیں گے. یہی بل ادھر شریعت بل جسے کہتے ہیں، وہ جس وقت ایم ایم اے کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں، آج کل کے پی کے ہے، اس میں حسبہ بل کے نام سے آیا تھا، اس میں مشاورت ہوئی تھی. ہمارے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد النقوی ایم ایم اے کا حصہ تھے ہم، اور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی. مشاورت کے بعد جو مشترکات تھے ان پہ وہ بل آیا اور اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا. ہم اس کے ساتھ تھے، ہم متفق تھے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. آج کیوں اختلاف ہے؟ چونکہ عدم مشاورت، اور یہ قوم کے لیے بل نہیں ہے، ایک مسئلے کی سوچ کے حوالے سے، اس لیے ہمارے تحفظات ہیں. لیکن ہم ریاست کو بھی یہ پیغام دیں گے، صدر مملکت کو بھی یہ پیغام دیں گے، ہم پرامن قوم ہیں، ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، کراتے رہیں گے. اپنے ساتھ ظلم و جبر اور جو یہ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. میں توقع رکھتا ہوں، صدر مملکت ریاست کے سربراہ ہیں اور اس ملک کے ایک ذمہ دار ہیں، وہ جب دستخط کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ سوچیں گے، توقع ہے کہ وہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے، چونکہ وہ ایک دانشور ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس بل کی وجہ سے اگر قانون بن گیا تو اس میں کیا فتنہ و فساد. آخری بات جو نہیں ہو سکی وہ یہ کہ بلوں کے جو غلط استعمال ہوتے ہیں اس کا شکار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طبقہ زیادہ ہوگا، توہین کی وجہ سے نہیں، اپنا بنیادی عقیدہ بیان کرنے کی وجہ سے. کیا صاحب آخری سوال میں کروں گا، آپ نے آخر میں بات ختم کر دی، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر مملکت خود ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق بھی ہے، جب ایک بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، سینٹ سے منظور ہو گیا، وہاں پر تقریباً تمام جماعتیں قومی اسمبلی میں موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، اور نمائندگی بھی تقریباً تمام طبقات کی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ بل دونوں ایوانوں سے منظور ہو کر صدر کے پاس چلا گیا ہے اور صدر دستخط کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آیا آپ کوئی احتجاج کریں گے یا پھر کچھ اور آپ کے ذہن میں ہے، کیا کریں گے؟ میں یہ توقع نہیں رکھتا صدر مملکت سے. مجھے امید ہے کہ اتنا بڑا جو پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اور آواز اٹھ رہی ہے، اور 16 تاریخ کو پورے ملک سے ملک گیر علماء و ذاکرین کنونشن اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس کا پیغام صدر صاحب تک پہنچ چکا ہوگا، اور وہ یقیناً وہ توجہ کریں گے. اگر میں دستخط کروں تو اتنی بڑی کمیونٹی جو پاکستان میں ہے، ان کے حقوق غصب ہوں گے، وہ نہیں کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی اقدام کرتے ہیں تو پورے ملک میں ایک بھوچال آ جائے گا،
और बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मुल्क को उस मुश्किल से बचाना चाहिए, अमन का माहौल, मोहब्बत का माहौल, इस्तेहकाम पाकिस्तान का माहौल, इस मुआशरे में ये अमन मोहब्बत भाईचारे की फजा, इसको आगे बढ़ाएं और तमाम स्टेक होल्डर जो है वो बैठ जाएं एक जगह, हमें बुला लें, हम भी बैठ जाएंगे, आप कोई अच्छा फैसला कर लें ताकि इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, अमन हो, मोहब्बत हो, ये ना हो कि दुश्मन हमारे तमाशे देखें कि इस मुल्क में आपस में क्या फितना हो। बहुत शुक्रिया इसी पैगाम के साथ। जैसे अलावा साहब ने यह कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अमन और भाईचारे को फ़रोग दिया जाए, इसी से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।